अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड मॉर्निंग। दोपहर के 1 बजे मॉर्निंग हो चुकी है, तो मैंने यहाँ पे अभी अपने लिए नाश्ता बनाया था, अपने लिए और छोटे भाई के लिए। तो यहाँ पे सारा डस्ट आ गया आटे का, वो साफ़ करना है, और नाश्ता मेरा रेडी है, नाश्ता करेंगे। और दोपहर के लिए फरमाइश आई थी भाई की कि टिक्कियाँ बनानी है, तो उसके लिए आलू भी रख दिया हमने ऊपर, और आलू भी बन जाएंगे, हमारा ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, फिर हम घर की थोड़ी बहुत सफाई कर लेंगे, और सफाई करने के बाद हमने जो करना करेंगे। और आज हम जाएंगे वॉक पे, हमारा प्लान बन गया है वॉक करने का, तो आज हम वॉक पे भी जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और मैंने अपना सालन गर्म कर लिया था सुबह, आप भी बना के गई थी आलू की भुजिया, जिसके साथ हम ब्रेकफास्ट करेंगे, और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आपको मिलते हैं। तो जी, ब्रेकफास्ट करके दोबारा से हम आ गए हैं किचन में, मामा की चाय बनानी है। तो जो ये दूध है, ये हमारा दोधी देके जाता है, ये भी दूध अच्छा है बट इतना अच्छा नहीं है। हमारे गांव से दूध आया, वो बहुत ज़्यादा खालिस है, और हमारे घर में खालिस दूध की चाय बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो मामा कह रही हैं कि मुझे उस दूध की बना के दो जो गांव से आया है, तो हम वो दूध लेने चलते हैं। तो जी, दूध लेकर हम आ गए हैं किचन में, और मामा मेरी जो है बॉयल दूध की चाय पीती हैं, तो हम पहले दूध को बॉईल करेंगे और फिर इसकी चाय बनाएंगे। इसकी इसी के अंदर करेंगे बॉईल, छोटे से मिनी से बर्तन में, और इसको खोलते हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमें जितना चाहिए है उतना ही दूध लेंगे। मामा मेरी हाफ कप ही पीती हैं, चाहे दिन में 2-3 दफ़ा पी ले पर हाफ कप ही पियेंगी, पर दिन में 2 दफ़ा ही पीती हैं, सुबह ब्रेकफास्ट के साथ और रात में डिनर के साथ। तो जी, दूध बॉईल होने के लिए रख दिया, और चूल्हे की कंडीशन आप देख सकते हैं। आज इंशाल्लाह ताला हमने चूल्हा भी साफ़ करना है, जो भी चीज़ गिरती है बाद में साफ़ नहीं की जाती, पता नहीं क्यों। और अब हम आपको घर में कचरा तो नज़र आ ही रहा होगा फर्श पे, तो हम झाड़ू लगाएंगे और आपको दिखाऊँ कि ये जो झाड़ू है दरमियान में से, ये गंदी प्लास्टिक का बना हुआ था ना, ये देखें गंदी प्लास्टिक का बना हुआ था। मामा को आइडिया नहीं था तो वो ले आई, और ये सेंटर से टूट गया था, तो हमारे घर में पाइप पड़ा हुआ था, मैंने उसको आगे से हीट दे के तो इसके अंदर एडजस्ट करके टेप लगा दी, और हमारा अच्छा भला गुजारा हो गया है। तो अब हम कमरे में चलते हैं जी, सफाई करते हैं। मेरा पता नहीं क्यों काम करने का दिल नहीं कर रहा। मैंने चाय के अंदर इतनी पत्ती डाली पर हमारा कलर पता नहीं क्यों नहीं तारा, क्योंकि ये दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, और मैंने ऊपर चादर भी ले ली अपने ड्रेस के साथ की, क्योंकि इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, एकदम मौसम गर्म हो जाता है और एकदम ही ठंडा हो जाता है। अब हम इस चाय को डालेंगे कप्स में, और इतनी क्रीमी चाय है ना माशाल्लाह से। तो जो चाय डालते हैं हम, तो जी हमारे चाय का सफ़र माशाल्लाह से यहाँ पे शुरू हो चुका है, और आपको दिखाती चलूँ कि यहाँ पे कचरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, बाकी मैंने सारा साफ़ कर दिया, और ये चाय दे के करते हैं, क्योंकि मामा गई थी, पहले मुझे चाय पिला दो, और मामा से पूछते हैं कि चाय किस तरह की बनी है। ये लो, पत्ती कम है इसमें, इतनी ज़्यादा डाली है, दूध गाढ़ा है ना इसलिए कलर नहीं आया। टेस्ट बताओ मुझे, मुझे तो बहुत मज़े की लग रही है। मज़े की। तो जी हमारी चाय पास हो चुकी है, तो हम अपनी चाय भी पीते हैं और फिर आपको मिलते हैं। तो मैं दोबारा किचन की तरफ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे चाहिए है चीनी। मेरी मम्मा तो शुगर पेशेंट हैं, उनके लिए मैंने कम मीठे वाली बनाई थी, पर मुझे लगा शायद मेरा भी गुजारा हो जाएगा, पर मेरा गुजारा नहीं हुआ। तो हम चीनी लेके चलते हैं और अपनी चाय में थोड़ी सी ऐड करके रखते हैं। और देखिए गैस इतनी कम आ रही है कि मैंने 2 घंटे हो गए ये आलू रखे हैं, और अभी नहीं इतना लाइट बॉयल आ रहा है, पता नहीं क्या इतनी कम क्यों गैस आ रही है आज, नहीं तो इतनी तेज़ से गैस आती है। चीनी डाल के मिक्स कर ली है, और ये देखें आपियाँ भी आ गई हैं जामिया से, वो जामिया जाती हैं, मैं भी जामिया जाती हूँ, हम अलग-अलग जामिया में जाते हैं। तो जी आपियाँ भी आ चुकी हैं, इनका भी वेलकम करते हैं, मोस्ट वेलकम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपनी चाय एंजॉय करते हैं और फिर बाकी काम करेंगे। आलू हमारे हो चुके हैं रेडी,
तो मैंने इनको दो दफ़ा ठंडे पानी से निकाले, अभी नॉर्मल हो गया। इनको छीलते हैं और इसमें डालते हैं, फिर मैश करेंगे और बाकी आप तैयार करेंगे, और जब हम फ्राई करने लगेंगे तब आपको दिखाएंगे। अगर पूरी रेसिपी दिखाने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो फिर आपको बाद में मिलते हैं। अब हम जा रहे हैं पार्क, फिर पार्क जाके आपको मिलते हैं और बताते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। वोटिंग की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि स्कूल के अंदर वोटिंग होगी, आई थिंक सो। और यहाँ पे प्लांट्स के साथ DPS लिखा हुआ है, जो कि मेरा एक्स कॉलेज है। पार्क में हम पहुँच चुके हैं और पार्क में बहुत ही ज़्यादा पानी है, बट हमने उधर जाना है तो वहाँ से ड्राई है, तो हम इस ट्रैक से होते हुए जाएंगे। आ जाओ बच्चे, हमारे स्लाइड ले रहे हैं, आ जाओ, कुछ नहीं होता, नहीं गिरोगे आप, साइड से पकड़ के आना ऐसे, देखो और आप भी ऐसे आओ साइड से पकड़ के, फिर नहीं आप गिरोगी, साइड से पकड़ के। आगे मैंने कहा था साइड से पकड़ के आना, इधर आओ कपड़े साफ करूँ। बच्ची हमारी गिर चुकी है, अब आप ही जैसे आई है ना, जैसे आप ही आई है ना वैसे आना है, चलो आओ दोबारा, नहीं जाना। अब खुश शर्फा, यहाँ हमारे बच्चों की लड़ाई हो रही है कि मैंने लेनी है। भैया को लेने दो ना, फिर आप ले लेना। मौसम इज ऑसम, देखते हैं क्या कर रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चों की छोटी स्लाइड है, यहाँ पे सही है, अब मजा आ रहा है, चल छोटी वाली ले ले तू। भाई ने कहा साइड से पकड़ के आई, फिर नहीं साइड से पकड़ा इसने। चलो बच्ची को देंगे झूले थोड़े बहुत, फिर इसके बाद हम इस पे कब्जा कर लेंगे इंशाल्लाह। अब मेरी बारी है, इसके बाद किसकी, अरफा की बारी है, इसके बाद अरफा की बारी है, फिर हम घर वापस चलेंगे थोड़ा सा और एंजॉय करके। बाबा से रिक्वेस्ट की थी कि बॉल दे दीजिए, और वो माशाल्लाह बॉल ले आए मेरे बेस्ट बाबा। मेरे खाला जात भाई खेलने लग गए, हमने भी खेलना है, मिलके खेलते हैं। आपने खेला मम्मा हैं, आपने खेलना है, चलो मम्मा की ट्राई चेक कर लेते हैं। चलो मम्मा जी, नूबड़ी मम्मा, तीन होती हैं, तीन होती हैं लास्ट मम्मा आपकी। खेल खेल के सांस चढ़ चुका है, थोड़ी देर में चलते हैं घर वापस इंशाल्लाह ताला। आप ही आगे बैठी हो, नाराज हो गई है बच्ची हमारी, बच्ची हमारी किसके भाई ने बात की है तो ये नाराज हो गई, तुम तो नहीं ना नाराज। चलो आप ही थोड़ी देर में उतरेंगी, फिर आप ले लें। अब हम जा रहे हैं घर वापस, मौसम हो रहा है खूबसूरत तरीन माशाल्लाह। बदतमीज, बॉल भी जारी को नंगा कर दिया। हम जब पार्क के अंदर से निकल रहे थे तो एक आंटी मेरे बिल्कुल साथ थी, तो मैंने अपने कज़न को कहा कि बदतमीज, और वो आंटी मुझे घूर के देखने लग गई, ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी कि मैंने उन्हें क्यों कहा है ये। एज़ यू कैन सी हम लोग गवर्नमेंट एरिया में रहते हैं, तो यहाँ पे सिक्योरिटी के मामला तो चेक करें ज़रा, सिक्योरिटी के मामला सख्त हैं, सिक्योरिटी के मामला सख्त हैं। मुझे आर्मी बहुत ज़्यादा पसंद है, दैट्स व्हाई मुझे बहुत ही ज़्यादा चौकस लग रहे हैं ये लोग। हम लोग घर पहुँच चुके हैं, और आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।